हेलो हेलो, वेलकम टू द वीडियो। और काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर, नीट 2022 पर पैंडेमिक का क्या इफेक्ट आएगा, जो कोरोना वायरस आया था तो उसके कारण क्या नीट वापस से पोस्टपोन होगी, और क्या वापस से ट्विटर पे ट्रेंड चलेगा पोस्टपोन नीट अगेन, क्योंकि आपको पता है कि जो नीट 2022 है उसके लिए काफ़ी सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके दिमाग में ये क्वेश्चन कब से चल रहा है कि क्या नीट 2022 भी पोस्टपोन होगा। तो इसका जो एक क्लियर आंसर है, देखिए एनटीए जो है वो एक फुल ऑफ सरप्राइजेज, मैं आप कह सकता हूँ कि एनटीए जो है हर बार एक कोई नई चीज लाती है। तो एनटीए का जो अभी चल रहा है, जैसे आपको पता है कि जो 2021 का जो अभी शेड्यूल है, काउंसलिंग चल रही है, आपको पता है कि जो अभी रिजल्ट है वो शायद आज या फिर कल डिक्लेयर होने वाला है, इसी वीक में कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। तो अभी तो रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है और फिर इसकी काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी फरवरी तक, अराउंड आप मान सकते हैं कि जनवरी तक इसकी काउंसलिंग प्रोसेस चलती है। तो नीट की अगर जनवरी तक काउंसलिंग प्रोसेस चलती है, 2022 जनवरी तक अगर इसकी काउंसलिंग प्रोसेस चलती है, तो ऐसा मान सकते हैं कि फरवरी के मतलब फरवरी में जो है फाइनली जाकर के एडमिशन होगा एमबीबीएस में। तो फिर जब इतनी लंबी प्रोसेस चलेगी, फरवरी तक एडमिशन होगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो कि ट्विटर पे ट्रेंड करेंगे कि पोस्टपोन जेई, पोस्टपोन नीट करके। तो फिर इसके कारण हो सकता है कि जो नीट 2022 है वो रियलिटी में पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि जो जो प्रिपरेशन का टाइम है वो ऑब्वियसली काफ़ी कम मिलेगा आप लोग को। अगर आप जो इस साल वाला भी नीट दिया, अगर आप ड्रॉपर है खास करके, देन द प्रिपरेशन टाइम विल बी वेरी लेस। और आपको बता दूँ कि जो एनटीए है वो कभी भी कुछ भी कर देती है। आपको पता है कि एनटीए का कुछ सेट नहीं है, कभी भी पैटर्न चेंज हो जाता है। कभी भी आपने देखा है कि आपके रिक्वेस्ट करने पर जो एग्जाम डेट से उसको पोस्टपोन करा जा सकता है, प्रीपोन करा जा सकता है। तो एनटीए जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात मानती है। तो हो सकता है कि जो आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है, आपको प्रिपरेशन तो इसी तरीके से करना है कि जो मई एग्ज़ाम या फिर मई जो मंथ है उसमें आपको जो है एग्ज़ाम हो। बट मैं यहाँ पर अगर अपना प्रेडिक्शन दूँ तो हो सकता है कि जो एग्ज़ाम है वो जुलाई या फिर अगस्त में पॉसिबल है, कि जुलाई और अगस्त में वो एग्जाम जो है फाइनली जाकर के हो। तो दिस इज माय प्रेडिक्शन, दिस इज नॉट ऑफिशियल न्यूज ऑब्वियसली। ये जो मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है कि जुलाई और अगस्त में हो सकता है। बट जैसे कि हम परिस्थिति देख रहे हैं, जैसे कि एनटीए ने लास्ट बार भी कराया, कई सालों से करते आ रहा है वो, तो पोस्टपोन तो होता ही होता है हर बार नीट का एग्जाम। और इस बार भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो बच्चों पर प्रेशर बनेगा, तो वो ट्विटर के थ्रू और अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू जब जो गवर्नमेंट है उनको ट्वीट करेंगे, तो उसके कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे प्रेशर बने और वो वापस से नीट एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दें। बट काफ़ी सारे लोग इससे खुश होंगे, काफ़ी सारे लोग इससे खुश नहीं भी होंगे। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी सालों से, उनको लगा कि ओवर एक्सटेंड हो रहा है, तो काफ़ी सारे लोग को दुख भी होगा इसमें। बट काफ़ी सारे लोग के लिए एक अच्छा डिसीजन रहेगा, उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। सो दिस इज़ माई टेक ऑन दिस टॉपिक। आपको क्या लगता है कि नीट वापस से पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और इसी के साथ मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग जो है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी की तरफ से आप सभी लोग के लिए अभी एक जो प्लस कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, इसमें कि क्या होता है, जैसे कि आपको अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको उसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। अनअकैडमी की तरफ से एक तो फ्री लाइव क्लासेस होती है और एक होती है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो देखो, फ्री क्लासेस तो वो जो फ्री में आपको मिलती है, तो उसमें आप सारे एजुकेटर्स के फ्री क्लास तो देख ही सकते हो। उसके अलावा होता है एक सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा फीचर क्या मिलेगा, आप सब्सक्रिप्शन आप क्यों लोगे, एक्स्ट्रा फीचर जो मिलता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो आपको यहाँ पर जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो उसमें आपको मिलता है एक कोचिंग टाइप ऑफ एनवायरमेंट। जैसे आप कोचिंग जाते हो वैसे आपको एनवायरमेंट मिलता है, वहाँ पर आपकी बैच बनती है और जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उन लोग से आपके कॉन्टैक्ट रहते हैं। डायरेक्टली आप टॉप एजुकेटर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और वहाँ पर आप लोग को मतलब ऐसा रहेगा कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको जो है स्टडी मटेरियल मिलता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो सारे फीचर लिखे हुए भी है। डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, इसी के साथ साथ राइटिंग सेशन होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, है ना। तो ये सारे जो एक्स्ट्रा फीचर है ये आपको मिलते हैं किसमें, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। जब आप प्लस वाला सब्सक्रिप्शन लेने आते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की आपको प्राइसिंग मिलती है। जैसे कि अगर कोई 40,000 का कोर्स है, सपोज करो कि कोई 40,000 का कोर्स है वो आपको लेना है, ठीक है। और आप अगर मेरा कोड लगाओगे ARPIT10, अगर आप मेरा कोड लगाओगे तो आप लोग को वहाँ पर डायरेक्टली 4,000 rupees ऑफ हो जाएगा, एंड यू विल गेट दैट कोर्स एट 36,000, ठीक है। तो ये जो आपको डिस्काउंट मिलता है अगर आप मेरा कोड लगाओगे ARPIT10 ARPIT अनअकैडमी के कोई भी कोर्स पर, ठीक है।
जैसे वो आई टी जेई का है, नीट का है, क्लास टेंथ का है, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का है, कोई भी आप कोर्स पर अगर मेरा कोड लगाओगे अर्पित 10, देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, तो अनअकैडमी की तरफ से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है। तो आइकॉनिक में आपको क्या मिलता है, आइकॉनिक में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, जैसे कि आपको पर्सनल मेंटर मिलते हैं जो आपको पर्सनली गाइड करते हैं, आपसे पर्सनली बात करते हैं कि भाई क्या क्या दिक्कत है आपको, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो पर्सनल हमको मेंटर जो है मिलते हैं। इसी के साथ आपको मिलते हैं लाइव डॉट क्लियरिंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट्स, मतलब आपके वीक में आपने क्या प्रोग्रेस करी है, क्या आपके डाउनफॉल्स क्या रहे हैं, क्या आपकी दिक्कतें हैं, उस पर अपन डिस्कशन होता है, आपका पूरा वीकली रिपोर्ट आपकी मिलती है। पेरेंटल कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल अदर बेनिफिट्स ऑफ एन अकेडमी प्लस ऑल्सो, ठीक है। तो आइकॉनिक में आपको ये एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, पर्सनल मेंटर, स्टडी प्लानर, वीकली रिपोर्ट्स, ये जो फीचर ये आपको प्लस वाले में नहीं मिलेंगे, ये आपको आइकॉनिक में मिलते हैं, ठीक है। आइकॉनिक का जो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप लोग इसमें भी जो है, जैसे 40,000 का कोई कोर्स है, 40,000 का कोई कोर्स है, तो उसमें अगर आप मेरा कोड लगाओगे अर्पित 10, देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट, डायरेक्टली आपको 36,000 रुपीज में मिल जाएगा। अर्पित 10 जो है मेरा कोड है, मैंने आपको बताई दिया पहले भी, अर्पित 10 मेरा कोड है, आप सभी लोग लगा सकते हो और आपको जो है 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी की किसी भी कोर्सेज पर, ठीक है। तो दिस कैन बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी जो है टाइम चल रहा है ऑनलाइन का, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हो देन आई थिंक सो अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिस पर आप अभी पढ़ सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे ये रीजन है कि यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो भी जितने भी यहाँ पर अपने अपने फील्ड के टॉप लोग हैं वो लोग यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं, आई टी जेई, जो नीट क्रैक करे हुए लोग हैं, जिन लोगों ने गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाली है, जो ऑलरेडी वो कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो, तो आप अगर आप उनसे सीखोगे देन इट विल बी बेस्ट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड, बाय बाय।